मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर EVS क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 17, वाटर इन आवर लाइव्स। इन दिस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, एज वेल एज स्टोरिंग एंड कंजर्विंग वाटर। What are the sources of fresh water? Fresh water की sources क्या हैं? Ground water, rain water, surface water in lakes, rivers, ponds, etc. ये सभी क्या हैं? Sources of fresh water. Uses of water, it is used for irrigation, transportation, used by plants and animals for many purposes. Human beings अपने different and daily household chores के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। अदर देन डैट हम फॉर इरिगेशन भी वाटर का यूज़ करते हैं। बोट्स एंड शिप्स जो होते हैं वो वाटर पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ वाई जो वाटर है वो एक तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है। वी हैव रीड इन दिस चैप्टर। वाटर इज़ ऑल्सो यूज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर मैनी पर्पसेस। प्यूरिफिकेशन क्या होता है? बॉइलिंग वाटर किल्स मैनी जर्म्स। वाटर को बॉयल करने से बहुत सारे जर्म्स किल होते हैं। फिल्ट्रेशन रिमूव्स डर्ट एक्सेट्रा। फिल्ट्रेशन से डर्ट रिमूव होता है। वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स यूज क्लोरीन टू किल बैक्टीरिया। जो वाटर प्यूरिफिकेशन की जो फैक्ट्रीज या जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरीन का यूज़ करते हैं टू किल बैक्टीरियाज। नाउ स्टोरिंग एंड कंजर्विंग वाटर। वाटर इज स्टोर्ड इन क्लीन कंटेनर्स। वाटर को स्टोर किया जाता है इन क्लीन कंटेनर्स एज वेल एज वाटर टैंक्स इन आर होम्स। इसके साथ ही इसे हम वाटर टैंक्स में भी स्टोर करते हैं इन आर होम्स। इन सिटीज वाटर इज स्टोर्ड इन ह्यूज रिजर्वर्स। सिटीज में वाटर को स्टोर किया जाता है ह्यूज रिजर्वर्स में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रिवाइज बुक वर्क। ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड डैश वाटर। वाटर जो फिट फॉर ड्रिंकिंग है उसे क्या बोला जाता है? फ्रेश वाटर। सेकंड वन, बॉइलिंग किल्स द डैश प्रेजेंट इन वाटर। बॉइलिंग से क्या किल हो जाता है जो वाटर में प्रेजेंट होता है? दैट इज जर्म्स। थर्ड वन, रेन वाटर डैट सीप्स थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड डैश वाटर। रेन वाटर जो सॉइल के अंदर सीप हो जाता है उसे क्या बोला जाता है? दैट इज़ नोन एज ग्राउंड वाटर। आपको फोर्थ क्वेश्चन मैंने कट करवाया था बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। फिफ्थ वन इज एन एरिया इन अ डेजर्ट वेयर सम वाटर इज फाउंड इन एन डैश। एक एरिया डेजर्ट में जहाँ पे वाटर फाइंड आउट होता है उसे क्या बोलते हैं? ओएसिस। नाउ बी पार्ट, राइट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वेल वाटर शुड बी बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। जो वेल वाटर है उसे हमें ड्रिंक करने से पहले बॉइल कर लेना चाहिए, दिस इज ट्रू। सेकेंड वन, मोस्ट ऑफ द वाटर अराउंड अस इज फ्रेश वाटर। जो मोस्टली वाटर हमारे अराउंड होता है वो फ्रेश वाटर होता है, दिस इज फॉल्स। थर्ड वन, क्लोरीन इज़ पास थ्रू वाटर टू किल बैक्टीरिया। क्लोरीन को पास किया जाता है थ्रू वाटर ताकि बैक्टीरियाज को किल किया जाए, दिस इज ट्रू। फोर्थ वन, एक्वेटिक एनिमल्स लिव ऑन लैंड। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो लैंड पे सर्वाइव करते हैं, दिस इज फॉल्स। फिफ्थ वन, स्मॉलर एनिमल्स लाइक डेजर्ट रैट्स एंड स्नेक्स लिव ऑन द ड्यू डैट कलेक्ट्स ऑन द डेजर्ट प्लांट्स। जो स्मॉलर एनिमल्स हैं लाइक डेजर्ट रैट्स और जो स्नेक्स हैं ये डेजर्ट प्लांट पे जो ड्यू कलेक्ट होता है उसी से सर्वाइव करते हैं, दिस इज ट्रू। नाउ डी पार्ट, आंसर इन वन और टू वर्ड्स। आपको आंसर देना है इन वन और टू वर्ड्स। व्हाट इज द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का सोर्स क्या होता है? दिस इज रेन। सेकेंड वन, वॉट आर ह्यूज वाटर स्टोरेज टैंक्स कॉल्ड। ह्यूज वाटर स्टोरेज टैंक्स के उनको क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज रिजर्वर्स। थर्ड वन, वॉट इज RWH। RWH क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
फोर्थ वन, वॉट एल्स इज द कैमल नोन एज? कैमल को किस अदर नेम से भी जाना जाता है? डैट इज शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट के नेम से भी जानते हैं. नाउ लेट अस रिवाइज नोटबुक वर्क. ई पार्ट, आंसर इन ब्रीफ. फर्स्ट वन, व्हाई मस्ट वी बॉयल एंड फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग? हमें बिफोर ड्रिंकिंग वाटर को बॉयल और फिल्टर क्यों करना चाहिए? टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड टू प्रिवेंट डिजीज, ताकि हम उसे सेफ बनाए ड्रिंकिंग के लिए और डिजीज़, किसी भी डिजीज़ होने से हम उस खुद को प्रिवेंट करें. सेकेंड वन, राइट टू वेज बाय विच वी कैन स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर एट होम. हमें टू वेज लिखने हैं जिससे हम क्या कर सकें, वेस्टेज ऑफ वाटर जो हम होम में करते हैं उसे हम कंट्रोल कर सकें या कम्प्लीटली स्टॉप कर सकें. फर्स्ट वन इज़, वी कैन सेव वाटर बाय नॉट यूजिंग अ शावर एंड हैविंग अ बकेट बाथ. हम वाटर को सेव कर सकते हैं अपने घर में किस तरह से, कि हम शावर का यूज़ ना करें और उसकी जगह पे हम क्या करें, बकेट बाथ लें. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड वन, वी मस्ट नॉट लेट वाटर रन वाइल वी ब्रश आर टीथ. हमें वाटर को रनिंग नहीं छोड़ना चाहिए वाइल ब्रशिंग आर टीथ. हमें हमेशा टैप को क्लोज कर देना चाहिए सो दैट वाटर की वेस्टेज ना हो. नाउ सेकेंड वन, वॉट इज़ फ्रेश वाटर? वॉट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर क्या होता है और आपको ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर भी बताना है. द वाटर विच वी यूज़ डैट इज़ नॉट सॉल्टी इज़ फ्रेश वाटर. जो वाटर हम यूज़ करते हैं और जो सॉल्टी नहीं होता, डैट इज़ नोन एज फ्रेश वाटर. रेन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. जो रेन है वो ओनली सोर्स होता है फ्रेश वाटर का. नाउ फोर्थ वन, वॉट मेक्स द कैमल सूटेबल फॉर लाइफ इन द डेजर्ट? कैमल किस तरह से सूटेबल होता है कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सके? इट्स बॉडी इज़ वेरी सूटेबल फॉर लाइफ इन अ डेजर्ट. कैमल की जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है फॉर लाइफ इन डेजर्ट. इट कैन वॉक कम्फर्टेबली ऑन सैंड, और ये प्रॉपरली वॉक कर सकता है कम्फर्टेबली भी सैंड पे. इट कैन स्टोर वाटर इन इट्स बॉडी. ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर कर सकता है एंड कैन गो विदाउट वाटर फॉर ओवर 20 days. और ये वाटर के बिना सर्वाइव कर सकता है फॉर 20 days. फिफ्थ वन इज़, वाई डू प्लांट्स नीड वाटर? प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है या नीड क्यों होती है? वाटर इज़ इजेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. वाटर बहुत ही इजेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए. द रूट्स ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर. जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और वो मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स यूज़ वाटर टू प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स. और जो प्लांट्स हैं वो वाटर का यूज़ करते हैं और जिससे कि वो अपने लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं. सो स्टूडेंट्स, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड रिविजन ऑफ चैप्टर 17, वाटर इन आर लाइव्स. लर्न दिस चैप्टर प्रॉपरली. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गुड बाय.